दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, वोडाफोन आइडिया को लगा है फिर से एक बड़ा झटका, सरकार का दोस्तों डंडा चला है जहां पे वोडाफोन आइडिया को ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ का दोस्तों यहां पे पेनल्टी लगाया गया है। दोस्तों क्या है पूरी रिपोर्ट, किस तरह से वोडाफोन आइडिया इसको डाइजेस्ट कर सकेगा और क्या है दोस्तों पूरा का पूरा मैटर, उसके बारे में अगर जानना है तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गास तो सुप्रीम कोर्ट के एजीआर मैटर के आने के बाद ही होगी, क्योंकि उसके बाद यहां पे वोडाफोन आइडिया एयरटेल उसके साथ साथ बाकी की सारी कंपनियों में दोस्तों ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का दोस्तों यहां पे पेनल्टी लगी थी जो एजीआर वाला मैटर था, जहां पे खास करके वोडाफोन आइडिया की बात करते तो 50,000 करोड़ से ज्यादा इसे डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार को देना है और एयरटेल की बात कर ली जाए तो ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ समथिंग देना है। लेकिन अब दोस्तों एक नया रिपोर्ट निकल गया, एक नई दोस्तों अपडेट निकल गया है और ऑलमोस्ट ज्यादा बड़ी अमाउंट तो नहीं बोल सकते इसके सामने, लेकिन ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ और इन्हें सरकार को देने पड़ेंगे। क्या है दोस्तों मैटर, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कॉल ड्रॉप्स की समस्या हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों से बढ़ चुकी है। दोस्तों एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आई थी राज्यसभा में दोस्तों, जब यहां पे संसद में बताया गया तो यहां पे दोस्तों सितंबर से लेकर जून 2018 के क्वार्टर के अंदर यहां पे दोस्तों देखा गया कॉल ड्रॉप्स, तो कॉल ड्रॉप्स में दोस्तों पेनल्टी लगती है, तो यहां पे टोटल पेनल्टी की बात कर ली जाए तो यहां पे 3.2 करोड़ ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ की टोटल पेनल्टी सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज पे लगी है। इसमें दोस्तों वोडाफोन आइडिया फिर से आगे निकल गया है। दोस्तों बता दूं कि वोडाफोन आइडिया ने इसमें सबसे ज्यादा पेनल्टी देने वाला बन चुका है, तो यहां पे जो पेनल्टी लगी वोडाफोन आइडिया को 1.76 करोड़ ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ रुपए की पेनल्टी दोस्तों यहां पे सरकार को यहां पे देनी पड़ेगी वोडाफोन आइडिया को। इस वोडाफोन आइडिया में दोस्तों करीब 1.76 को अगर डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वोडाफोन को खाली 1.11 करोड़ यानी 1.11 करोड़ समथिंग देना और अगर आइडिया की बात करते हैं तो उसको 65 लाख समथिंग देना है। टोटल अमाउंट जो दोनों को मिलकर आ रही है 1.75 करोड़ समथिंग है, जो इन्हें 76 करोड़ आ रही है जो इन्हें सरकार को यहां पे देना पड़ेगा। ये कोल्ड ड्रॉप्स होने के बाद दोस्तों जो पेनल्टीज लगती है उस पेनल्टी की यहां पे बात करिए, सबसे कम अगर पेनल्टी की बात कर लीजिए तो इसके अंदर हमारे मुकेश अंबानी जी हैं जिसका नेटवर्क सबसे अच्छा था, कोल्ड ड्रॉप्स यहां पे बिल्कुल भी नहीं होती है। पेनल्टी इनको भी लगी लेकिन लगी 6.5 लाख ओनली 6.5 लाख रुपए इन्हें देनी है। बाकी की कंपनियां दोस्तों वो कौन सी कंपनी है उसके बारे में जान लेते हैं जिनको दोस्तों यहां पे पेनल्टी लगी। खाली वोडाफोन आइडिया तो नंबर 1 पे है, दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है तो देख लेते फटाफट। तो यहां पे दोस्तों भारतीय सरकारी कंपनी BSNL यहां पे दूसरे नंबर पे आती है। BSNL दोस्तों यहां पे टोटल देती है 47.5 लाख यानी 47.5 लाख रुपए दोस्तों इनको पेनल्टी लगी BSNL को। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं दोस्तों यहां पे दूसरा कौन है दोस्तों यहां पे टाटा टेली सर्विसेज, वो दोस्तों यहां पे 56 लाख रुपए के साथ आती है। एडिशनली दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पे हम दूसरी पेनल्टीज तो यहां पे 34 लाख रुपए भारतीय एयरटेल को दे रहे हैं, एयरटेल को भी दोस्तों 34 लाख रुपए की यहां पे पेनल्टी लगी है। उसके साथ साथ दोस्तों मिस्टर धोत्रे जो थे उन्होंने राज्यसभा में जो अपने बताया तो उसके अंदर बताया कि BSNL दोस्तों यहां पे मैच नहीं कर, बेंचमार्क जो होता है दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ मोबाइल नेटवर्क एरिया के अंदर उसको बीट नहीं कर पाया, मतलब BSNL के नेटवर्क में बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पे है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ स्टेट में वोडाफोन आइडिया की बात कर ली जाए तो जैसे कि दोस्तों वेस्ट बंगाल हो गया, जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पे वोडाफोन आइडिया भी फेल हुआ अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने के में। मतलब टोटल अगर देख लिया जाए दोस्तों तो ये जो अमाउंट निकल के आती है, ये टोटल अमाउंट जो बता रहा हूं मैं आपको यहां पे वोडाफोन आइडिया की खास करके, तो 1.76 करोड़ यहां पे देना पड़ेगा दोस्तों कॉल ड्रॉप्स की जो पेनल्टीज पे लगी है। और टोटल सारी की सारी कंपनीज की अगर बात कर ली जाए तो 3.2 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ रुपए इन्हें देने होंगे सरकार को। फ्रेंड्स तो दोस्तों ये थी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई थी दोस्तों सरकार के मंत्री की तरफ से, जो राज्यसभा में उन्होंने बताया गया, जहां पे सारी की सारी कंपनियां दोस्तों कॉल ड्रॉप्स के मामले में यहां पे टॉप लेवल पे, जहां पे वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे आई, BSNL भारतीय एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज इनको भी लगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया को यहां पे ऑलमोस्ट 1.76 करोड़ का दोस्तों यहां पे फटका लगा है। AGR का दोस्तों मैटर ऑलरेडी चल रहा है, इनको ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ तो यहां पे सरकार को देना ही, लेकिन अब दोस्तों दूसरी यहां पे फटका लग चुका है सरकार की तरफ से, ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ रुपए दोस्तों इनको यहां पेनल्टी इसकी भी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी एक बुरी खबर जो वोडाफोन आइडिया को यहां पे डेफिनेटली अच्छी ना लगी होगी, लेकिन प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगाओ इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।